नमस्कार। ग्रीटिंग फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेडटॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। G4H1N1 नया वायरस फिर चाइना में पनप रहा है। सुअर यानी के स्वाइन से ह्यूमन में हो चुका है। कब होता है ये, कैसे पता लगेगा कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गया है? अभी 10% वर्कर्स को हुआ है। एक स्टडी है H1N1 पेंडेमिक की, उन्होंने पाया कि पहले जब सुअर में वो वायरस 1.4% था 2011 में, और जब सुअर में वो 8.2% हो गया 2018 के अंदर में, तो इस तरीके से जैसे जैसे ये बीमारी सुअर में, पिग में, स्वाइन में बढ़ती जाएगी, अचानक इसका रूप बदल सकता है एंड ये पिग टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ले सकती है। इग्नोर नहीं कर सकते हम पिक टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को, हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये अल्टीमेटली चेंज करके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, फिर ये एक पेंडेमिक बन सकता है। याद रखिए, जैसे जैसे ये वायरस बढ़ता है, पहले ये पिग में जाएगा, फिर पिग में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पिग से ह्यूमन में जाएगा, और जब बहुत ज्यादा ये वायरस विरुलेंट हो जाए तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। इसको यही रोकना होगा। सारी WHO को वहां पर भी अपना कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में कन्वर्ट ना हो जाए। नमस्कार।